मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जबलपुर होकर ट्रेन रवाना हुई। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार रामेश्वरम के दर्शनों के लिए जबलपुर से 150 से ज्यादा यात्री गए हैं। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन से जबलपुर के 150 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना हुए। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को विदा करने उनके परिजन ढोल ढमाकों के साथ पहुंचे और फूल माला पहनाकर उन्हें विदा किया। ट्रेन रवाना होने से पूर्व यात्रियों एवं उनके परिवारजनों ने तीर्थ यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। मैं सबसे पहले भारत माता की जय। यहाँ पे सारे श्रद्धालु लोग आए हैं जो रामेश्वरम शिव जी के दर्शन करना चाह रहे हैं और मैं ये सारी मतलब योजनाओं का लाभ मिल रही है जो सरकार द्वारा हो रही है। मुख्यमंत्री जी यात्रा चल रही है, निरंतर चलती रहे, मन में यही भाव है सबका। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। रामेश्वरम जो रामेश्वरम जा रहे हैं वो गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई, जो जा नहीं सकते वो जा रहे हैं। मन में बहुत उत्साह है उनके और लग रहा आपको क्या है? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत और बहुत मतलब वो ध्यान देते हैं हर चीज का, खाने की हाँ हर चीज की सुविधा रहती है। और यात्रा में सभी लोग बहुत खुश होंगे, जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी मतलब जा रहे हैं। मैं मोदी जी का और भाजपा सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत जबलपुर से 150 यात्री रामेश्वरम जा रहे हैं, जिनमें अति उत्साह है। ग्रामीण के भी पानी गिरने के बाद भी यहाँ पर टाइम पर उपस्थित हो गए और उनको फूल मालाओं से स्वागत के उपरांत उनको स्वल्पाहार भी दिया गया है। और उन लोगों के साथ हम लोग प्रशासन की ओर से अधिकारी जा रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए हमने अपने नंबर दे दिए हैं। तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए।